भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई मंत्री वहां मौजूद रहे। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा प्रदेश में न सिर्फ संगठन और सरकार के पेच कसेंगे, बल्कि पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के साथ मिशन 2022 की नींव भी रखेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं से लेकर विधायकों और सांसदों को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का मंत्र देने के साथ साथ ही वो आम लोगों को गुड गवर्नेंस का एहसास करने की कार्ययोजना भी बनाएंगे। विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का आज 2 दिवसीय दौरा आज उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। उनके लगातार जो देश में प्रवास, संगठन को विस्तार देने के लिए और समाज के सभी वर्गों को भारतीय जनता पार्टी के साथ में कैसे जुड़े और जनकल्याण के काम जो मोदी जी की सरकार ने अपने हाथ में लिए, उनका प्रचार प्रसार कैसे हो, उस संदर्भ में जो उन्होंने पूरे देश में प्रवास का अपना क्रम तय किया था, आज उसी क्रम में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश में उनका आगमन हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर आगमन से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय तक एयरपोर्ट पर माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनका मंत्रिमंडल के साथ में स्वागत किया। हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और लखनऊ के आम जनमानस ने जो हृदय से उनका स्वागत किया है, हम उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, बधाई देते हैं। और आज उस स्वागत से ये चरितार्थ होता है कि आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ में और सरकार ने जो जनकल्याण के काम किए हैं उसके साथ में खड़ा है। अभूतपूर्व स्वागत आज लखनऊ की धरती पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हुआ है। इसी क्रम में आज जो प्रदेश मुख्यालय पर जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगमन हुआ तो हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी और प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय सुनील बंसल जी ने उनका अभिनंदन किया। इसी क्रम में आज पहली बैठक हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को दिशा देने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी ने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ में उन्होंने बैठक की। माननीय बीएल संतोष जी ने इस कोरोना की आपदा के समय में, इस संकट के काल में भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के की सरकार के साथ में मिलकर के जो जनकल्याण और सेवा के काम किए, लोगों तक राशन की किट पहुँचाना, उन्हें स्वास्थ्य की सेवाओं उपलब्ध हो उसका काम वो करना, इस संकट के काल में जो जनता की सेवा की, माननीय बीएल संतोष जी ने बड़ी भारी प्रशंसा की। और उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी के विचार को लेकर के चलने वाले राजनीतिक दल आज ये चर्चा कर दिया कि संकट के काल में कोई राजनीतिक दल भी सेवा के काम कर सकता है। माननीय बीएल संतोष जी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उत्तर प्रदेश की जनता को इसके लिए बधाई और साधुवाद दिया। साथियों, उन्होंने संगठन के विस्तार में भी हम कैसे इसे स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं उसके बारे में उन्होंने मार्गदर्शन किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने मंत्रिमंडल के साथ में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे दोनों डिप्टी सीएम आदरणीय केशव मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और सभी मंत्रीगणों के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज के बारे में विचार विमर्श किया। और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस कोरोना का संकट का काल हो या उत्तर प्रदेश में जन कल्याण के काम हो, चाहे उत्तर प्रदेश में विकास की गति को अभूतपूर्व गति देने का विषय हो, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार की बड़ी भारी प्रशंसा की। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को बधाई भी दी है कि उन्होंने जो जनकल्याण के काम किए हैं। उन्होंने इस बात की भी प्रशंसा की कि उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन मिलकर के जो जनता के साथ में खड़ा है, जनता की सेवा में लगा है, उत्तर प्रदेश को प्रगति के को लेकर के चला है और उत्तर प्रदेश में एक ईमानदारी के साथ में जो लाखों रोजगार उत्तर प्रदेश की सरकार ने ईमानदारी के साथ में दिए उसकी भी उन्होंने प्रशंसा की। साथियों, इस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा जो कल तक रहेगा, कल सुबह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे संगठन के विस्तार देने का जो संकल्प रहता है, एक मंडल की बैठक जो चिन्हट ग्रामीण क्षेत्र की रहेगी उसमें भी जाएंगे
उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो हमारे काम की इस पार्टी के विस्तार की जो महत्वपूर्ण रीढ़ है बूथ अध्यक्ष, ऐसा हमारे लखनऊ महानगर जिले का, इस प्रसाद सिंह जिले का बूथ सम्मेलन भी होगा, ऐसे हमारे बूथ अध्यक्षों को भी दिशा देने का काम करेंगे। उसके बाद हमारे राष्ट्राध्यक्ष, सांसद, विधायक जो अवध क्षेत्र के, उनकी बैठक को भी संबोधित करने में करेंगे। हमारे क्षेत्र के जो पदाधिकारी कानपुर और लखनऊ क्षेत्र के पदाधिकारी, उनके साथ में भी संवाद करेंगे। और जो आज सभी वर्गों का जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता है मोदी जी के नेतृत्व में, सभी सेक्शन भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हैं, जो की वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हैं, ऐसे सभी प्रबुद्धजनों और बुद्धिजीवियों के साथ में भी लखनऊ महानगर में बुद्धिजीवियों के साथ में एक प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। और प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने के बाद वो उत्तर प्रदेश की धरती से लखनऊ से प्रस्थान करेंगे। तो ऐसा दो दिवसीय कार्यक्रम मान्य राष्ट्राध्यक्ष जी, किसी कार्यकर्ता के भोजन भी है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, कार्यक्रम का मुझे इतनी जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।